अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उसामा और आप देख रहे हैं स्पेसिफिकेशन ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन की स्पेसिफिकेशन किस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर हमें चेक करनी होती है तो हम सिंपली इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है और हमें सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती। तो आइए आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने फ़ोन की स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं CPU Z। ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है, हमने सिंपली सर्च किया है, एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने की हुई है, आप कर लीजिए, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने इसको ओपन किया है, यहाँ पर हमारे फ़ोन की सारी डिटेल आ गई हैं। सबसे ऊपर हमारे फ़ोन का प्रोसेसर आ रहा है, उसके बाद इसकी अदर डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, जैसे हमारे पास सारी इसकी डिटेल आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, को भी चेक कर लेते हैं। डिवाइस में इसके मॉडल और स्क्रीन रेजोल्यूशन, रैम, स्टोरेज वगैरह यहाँ पर शो हो जाएगी। सिस्टम में हम चले आते हैं, एंड्रॉयड वर्जन, बूट लोडर और कर्नल वर्जन, रूट एक्सेस, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। बैटरी भी यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी सही है या नहीं। उसके बाद आया तो थर्मल, इसको तो ये आपकी फिलहाल किसी काम का नहीं है। सेंसर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जो हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन में कौन कौन से सेंसर्स हैं, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, जायरोस्कोप, एक्सेलरेटर और यहाँ पर स्टेप डिटेक्टर भी हमारे फ़ोन में मौजूद है। इस तरह से जो सेंसर हमारे फ़ोन में मौजूद नहीं होगा वो जगह ब्लैंक होगी, जैसे सिग्निफिकेशन मोशन डिटेक्टर है, AMD है, इसी तरह से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे नए यूज़र्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर वीडियो में मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।